कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मानी जाती है। पाकिस्तान को हरा दिया, हरा दिया, पाकिस्तान के सेंस में भले होता आपको सुनाने के लिए बोलते, लेकिन पर्सनल ग्लोरी नहीं फील करता इंडियन कि हमने पाकिस्तानी को हरा दिया। पाकिस्तान इंडियन ग्लोरी फील करता है जब उसको जब सुंदर पिचाई गूगल का हेड बन जाता है तो उसको लगता है यार। बिकॉज भारत का मतलब है ज्ञान, भारत का मतलब है विश्व गुरु, भारत का मतलब ये नहीं है विश्व विजेता। There is a difference between the conqueror of the world and the guru of the world. India is a in the world guru hai. We are not vishwa vijeta. We are vishwa guru. हमने दुनिया को ज्ञान दिया है। आज जब हमारे ज्ञान को दुनिया recognize करती है तो तुमसे हम बता नहीं सकते मैं भी दुनिया इतना बड़ा चौड़ा हो जाता है। और वही किया है इसमें। ये sense of pride है कि हम ये हमारे ये देखो यूनिवर्सिटियां खोलने से ना सुपारको क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटियां खोलने से नहीं होता, ये आपके DNA में होना चाहिए। हमारी ये जो हम यहाँ पहुँचे हैं ये कोई IIT से नहीं शुरू किया गया। ये हमारे सदियों पहले जब हमारे ऋषि और मुनि लिख रहे थे जीरो क्या होता है और फोर्स क्या होता है, ग्रह क्या होता है, ये उस दिन से ये जर्नी शुरू की हमने हजारों साल में। ये जर्नी साइंस हमें पहले पता थी, टेक्नोलॉजी हमने आज हासिल की, जगह पे मौजूद हो जाता। अगर रिलीजन से कोई इंटेलेक्चुअल हो जाता तो आपके पास तो सारे मुसलमान हैं, हर शोबे में मुसलमान बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को सोने की चिड़िया और हिंदुस्तान को वो क्या नाम है कबाड़ का खजाना होना चाहिए था, उल्टा हो गया। बालिका अहम बालिका, नव युग जनता अहम बालिका, नहम अबला दुर्बला आदि शक्ति अहम विकार। मैं एक लड़की हूँ, आधुनिक समय की लड़की हूँ, मैं कमजोर या शक्ति ही नहीं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं अंबिका हूँ। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ नारी का जो स्थान है ना वो बहुत ऊंचा है। जैसे आपको शायद नहीं पता हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया राष्ट्रस्य श्वः नार्यस्तु, इसका मतलब नारी ही राष्ट्र का कल है। तो नारी कोई छोटी चीज नहीं है। नारी इसरो ने हमें वापस से ये कर्म कराया, हम वी आर फर्स्ट टू लैंड ऑन साउथ पोल। USSR आया तेजी से गिर गया, जापान कोशिश किया गिर गया, इजराइल कोशिश किया गिर गया, वी वेंट देयर और हम कह के गए ये हम लेंगे। और आदित्य L1 को तो सब लोगों ने डिस्कस किया, मगर आदित्य L1 इतना बड़ा मिशन था इसरो का आफ्टर चंद्रयान 3, पूरी दुनिया नजरें जमाए बैठी थी इसके अंदर, क्या मेजर चीजें थी, क्या इसकी इम्पोर्टेंसेस थी, और सबसे बढ़कर वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाले हिंदुस्तान ने इस चीज में किस तरह से रोल प्ले करवाया वुमेन का, क्या कहेंगे सब पर? देखिए महवीश, नारी जो है ना विमेन, वो भारतीय समाज में बहुत अहम भूमिका रखती है। ठीक है ना, मैं आपको एक बहुत पुराना श्लोक सुनाता हूँ, बहुत पुराना है वैदिक, उसमें लिखा गया बालिका अहम बालिका, नव युग जनता अहम बालिका, नहम अबला दुर्बला आदि शक्ति अहम विकार। मैं एक लड़की हूँ, आधुनिक समय की लड़की हूँ, मैं कमजोर या शक्ति ही नहीं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं अंबिका हूँ। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ नारी का जो स्थान है ना वो बहुत ऊंचा है। जैसे आपको शायद नहीं पता हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया राष्ट्रस्य श्वः नार्यस्तु, इसका मतलब नारी ही राष्ट्र का कल है। तो नारी कोई छोटी चीज नहीं है। नारी जो है वो आपका एक शी इज क्रिएटर इन टू हर सेल्फ। वो मानवता को जन्म देती है, वो संस्कार को जन्म देती है, वो भाषाओं को जन्म देती है, वो मतलब समझ लीजिए बलिदान को जन्म देती है। एक नारी जो है वो जितना उसकी भूमिका है समाज में उतनी भूमिका उसकी किसी और की नहीं। उसको कई तरीके के जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करना पड़ता है। सिर्फ घर ही नहीं चलाना है, उसको बच्चों को भी ऐसा बनाना है कि वो बच्चे संस्कारवान बने। वो घर चलाने के साथ साथ आजकल तो ऑफिसों में जा करके वो सैटेलाइट भेज रही है, वो एक अकाउंटेंट है, चार्टर है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे कहने का मतलब है कि नारी ही राष्ट्र है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवता वास करते हैं। सो अगर आप 50% पॉपुलेशन को बंद कर देंगे किसी कमरे के पीछे तो आपकी तो ग्रोथ ही रुक जाएगी।
बिकॉज दे आर विमेन मे बी फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन बट मेंटली दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन, मेंटली दे आर एज गुड एज एनी अदर मैन. तो आप उनके सर्विसेज को कैसे नहीं लेंगे. अब आप ये देखें कि चंद्रयान के पूरे मिशन में जो 54 या 54 या 56 वुमेन है उसमें, 56 वुमेन टीम, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया. वो बेचारी घर भी रहती होंगी, खाना भी बनाती होंगी, ऑफिस भी आती हैं, और उसके बाद लॉन्च कर रही है चंद्रयान. सोचिए जरा कि आप जो अब ये 54 बेचारी महिलाएं ना होती तो हम लोग का तो चंद्रयान नहीं जा पाता, क्योंकि ये 54 महिलाएं नहीं है, इनकी जगह हम 54 पुरुष भी ले सकते थे, या वो 54 पुरुष आए होंगे इनकी जगह इंटरव्यू देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, मगर इन्होंने पुरुषों को मात देकर के ये जगह ली है. कॉम्पिटिशन हुआ होगा ना, खाली इसलिए तो ले नहीं लिया होगा इसरो ने, ये लड़की है इसको ले लो, ऐसे तो नहीं लिया होगा ना. देयर मस्ट हैव बीन अ कॉम्पिटिशन. और इसरो में जाने का कॉम्पिटिशन तो आप समझ ही नहीं है क्या हुआ होगा, एकदम जबरदस्त ब्रेन, ऐसे कोई चंद्रमा पे तो नहीं पहुंच जाएगा खाली हंसते खेलते. तो मेरा ये मानना है कि और महिला, औरत, स्त्री, वो बौद्धिक रूप से उतनी ही सक्षम है जितना कि एक पुरुष है. अब उसको मौका तो देखे देखे वो चमत्कार करके दिखाएगी. और हमने मौका क्या दिया, उन्होंने हमें मौका दिया, चंद्रयान पे पहुंचा के बता दिया कि हम नहीं होंगे तो चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाओगे. अच्छा अभिषेक जी, एक तो इस सारी आदित्य एलवन की न्यूज के अंदर बहुत बड़ी खबर वुमेन के डायरेक्ट करने की थी, मगर उससे भी बड़ी न्यूज ये थी जो हमेशा हम लोग कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं कि मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज, मेजोरिटीज, अथॉरिटीज, इन सब चीजों को लेके कि किस कंट्री में किसको जो है ना अथॉरिटीज दी जाती हैं. पाकिस्तानियों को भी ये गिला रहता है, मुस्लिम्स को भी ये गिला रहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जी वही एक सोच, जुल्म होता है, आगे नहीं आने दिया जाता, प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जाते. तो वो हमने देखा आदित्य एलवन को डायरेक्ट करने वाली लड़की जो है जिनका नाम निगार शाजी है, वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करती हैं और इतने बड़े मिशन को डायरेक्ट कर रही थी वो, जो कि दिल दहला देने वाली बात है. और बहुत से लोगों को पब्लिक रिलेशन में हमने देखा कि उनको पता भी नहीं था इस बात का, और जब उनसे कहा गया तो वो इस बात को भी डिनाई कर रहे थे. इस पर क्या रिएक्शन आप देंगे कि क्या वो इंडियन होने के नाते उस प्लेटफॉर्म पे आती है या हिंदू या मुस्लिम रिलीजन की डेफिनेशन के साथ आती है? अगर हम मुसलमान लेते, हिंदू लेते, तो वहां पे टैलेंटेड आदमी थोड़े पहुंचता. अगर हम ये देखते हैं ये भाई मुसलमान लेना है हमें, तो मुसलमान कौन होगा? मुसलमान तो फिर वो लड़की बिना मेहरम के तो बाहर नहीं आएगी. अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान है तो फिर वो पर्दा करेगी. हमने मुसलमान को नहीं लिया, हमने निगार जी को लिया. और निगार जी टैलेंटेड थी, उनकी जगह और लोग भी आए होंगे, वो हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, वो जूज होंगे, वो सिख होंगे, जो भी होंगे. उन्होंने कंपटीशन में सबको बीट किया, अपनी जो प्रतिभा थी उसका उन्होंने परिचय दिया और वो उनका सिलेक्शन हुआ. कोई वो ना तो उन्होंने कोई वो ना तो गवर्नमेंट ने कोई चैरिटी की, ना उन्होंने गवर्नमेंट पे चैरिटी की. उनका वो प्रतिभा था, उस प्रतिभा को सम्मान दिया गया. तो पॉइंट ये कि आप ऐसी संस्थाओं में महवीश हिंदू मुसलमान नहीं रिक्रूट करते, ऐसी संस्थाओं में आप टैलेंट्स को रिक्रूट करते, उनका पर्सनल जो मानना होगा होगा. और भारत की संस्कृति में अंतरिक्ष का और सूर्य का और ग्रहों का बहुत बड़ा उपयोग रहा है. जब दुनिया ये कहती थी कि पृथ्वी चपटी है और स्टेशनरी है, हम तब से कह रहे हैं कि ये गोल है और मूव कर रही है. तो इंडियन फिलॉसफी इज वे डीपर देन इट साउंड्स. तो अब किसमें आप ये कह लो कि हिंदू को जगह दो, मुसलमान को जगह दो. अरे भाई, कोई एक हिंदू होने से इंटेलिजेंट नहीं हो जाता. भारत में 140 करोड़ लोग हैं, खाली वो हिंदू होते इसलिए इंटेलिजेंट हो जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाए, हमारे देश की समस्या ही खत्म हो जाए. कोई हिंदू मुसलमान से टैलेंट नहीं होता, वो टैलेंट होता है अपने इंडिविजुअल से. अब आप कोई इंडिविजुअल बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में और आप उसको इसलिए जॉब न दें कि वो हिंदू है, तो ये आपका लॉस है. आपका अगर सारे मुसलमान इंटेलिजेंट होते तो आपका देश तो आज चंद्रमा छोड़िए, चांद, सूरज छोड़िए, वो और हर जगह पे मौजूद हो जाता. अगर रिलीजन से कोई इंटेलेक्चुअल हो जाता तो आपके पास तो सारे मुसलमान हैं, हर शोबे में मुसलमान बैठे हुए हैं. पाकिस्तान को सोने की चिड़िया और हिंदुस्तान को वो क्या नाम है, कबाड़ का खजाना होना चाहिए था, उल्टा हो रहा है. इसलिए यू रूट बेस्ट पीपल. आप ये नहीं करते हो आपके सामने आपके देश की दुर्गति. हमारे यहाँ ये नहीं होता, वी रिक्रूट इंडियंस, पार्ट खत्म.
यू आर इंडियन, यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपके आपको जिस भगवान के पास जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। जी सर एक बात जानना चाहूंगी, आदित्य L1 जो है बहुत सारे नई चीजें, बहुत सारे नए थॉट्स को लेके आया, जिसपे बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि चंद्रयान तो कर लिया क्योंकि चांद पे तो बहुत से मुल्क गए, मगर ये जो सूरज वाला मिशन है ये बहुत मुश्किल है, हिंदुस्तान इसको जो है ना नहीं कर पाएगा क्योंकि गोरों ने बड़ी कोशिश की है, फलां ने, जापान ने की, चाइना ने की, बहुत सारी जो है ना चीजें इस पे फेल हो गई, तो अब ये जो है हिंदुस्तान ही कर सकता। मुझे बताएं क्या ऐसी चीजें हैं जो इनोवेट करके इंडिया ने ये स्टेप लिया है, इसरो ने स्पेशली स्टेप लिया है। आदित्य L1 से आपको L1 बेसिकली उसका एक जगह है जहाँ पे वो पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है वो जाएगा और स्टडी करेगा, लग्रांज कहते हैं उसको। तो आदित्य से हम ये जानेंगे कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य का जो कोरोना है, सूर्य का जो कोरोना है यानी जो उसका सेंटर है, उसमें हीट वेव्स जो बनती हैं, उन हीट वेव्स का उसके सराउंडिंग्स पे क्या असर पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि अर्थ का जो मेंटल है वो बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, अर्थ का जो कोर है वो बहुत हॉट है, लेकिन अर्थ का ऊपर वाला क्रस्ट उतना हॉट नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सूर्य का ये जो लाइट्स हैं या जो सूर्य की जो हीट वेव है उनका उनके एटमॉस्फेयर पे क्या असर पड़ता है, कि जो जब वो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं पृथ्वी की तरफ तो उनका क्या फर्क पड़ता है। तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सन। सन हमारे जो मिल्की वे का जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें स्टार सिर्फ सन है, बाकी सारे प्लैनेट हैं, ठीक है ना, ऑल ऑफ देम आर व्हाट यू कॉल प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स के कुछ अपने सैटेलाइट्स हैं जैसे मून हो गया ये वो। तो जो जो सन की यूनिकनेस है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे अपने मिल्की वे को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है अर्थ इज अ डार्क प्लेस, अर्थ की खुद की लाइट नहीं है, वो सन से लाइट लेती है, मून की कोई लाइट नहीं है वो भी सन से लेता है। तो अर्थ तो ये लाइट जो क्रिएट हो रही है हमारे यहाँ, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज में इसका कितना असर पड़ेगा, उनके खुद के इसमें सन के जो एनर्जी है उसमें क्या फर्क पड़ा, वी विल गेट टू नो सन अलॉट। बाकी ये तो इतना टेक्निकल क्वेश्चन है जो मेरे मेरे पे चेक के बाहर है, बिकॉज मुझे उसमें PhD करनी पड़ेगी सोलर सिस्टम में, सन फंक्शन कैसे करता है। अच्छा सर, इसके डायरेक्टर्स ने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया कि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम मुकम्मल हो गया है, बहुत बड़ा मिशन था इसरो का जो पाया तक नील तक पहुंच गया। मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों के माइंड में क्या है, फर्दर इसरो क्या बड़ा स्टेप लेने जा रहा है जो अभी तक हिडन है, अभी तक सामने नहीं आया, चांद भी कवर कर लिया, सूरज पे भी जाने की तैयारी है, अब क्या रह गया पीछे, अब प्लैनेट्स पे आबादी करनी है क्या? देखो महवेश, पिछले 700-800 साल से ना हमने क्या सुना है अपने बारे में पता है तुम्हें? हमने सुना है हम स्नेक चार्मर्स हैं, ठीक है, सांपों के वो देश हैं, हम कूड़ा करकट की पूजा करने वाले लोग हैं, हमें बताया गया कि गंदे लोग हैं, गंदगी में रहते हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियंस हों, चाहे वो यूरोपियंस हैं, सबने हमारे बारे में अपनी किताबों में लिखा है ये हिंदूज हैं, कास्ट सिस्टम है, छुआछूत है, औरतों को नहीं रिस्पेक्ट देते, घटिया सोसाइटी है, इनकी किताबों में कोई नॉलेज नहीं है, सब बोल बोल के हमको सुना सुना के चले गए 700 साल तक। हम लड़ते रहे, हमें अपनी चीज पे भरोसा था, इसलिए एक बात याद रखना, कोई तुम्हें ये कहना महवेश कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर तुम्हें अपने पर भरोसा है तो किसी को ये कहने मत देना कि वो तुम्हारे से ज्यादा तुमको जानता है। नो वन नोज यू बेटर देन यू नो योर सेल्फ। अगर तुम्हें अपने पर विश्वास है और भरोसा है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। हमें 700 साल लगे, 700 साल हमें उठाया गया, कोई हमें ब्रिटिश आया, हमें साउथ अफ्रीका ले गया, हमसे पत्थरें तोड़वाई, हमसे खेतों में काम करवाया, हमें इंसानों से जानवरों की तरह ट्रीट किया, हमारे यहाँ पे अरब्स आए और सेंट्रल एशियन आए, हमारे यहाँ पे लोगों को मारा काटा तब्दील किया, औरतों को ले जाकर के मार्केट में बेचा, जो हमारी सभ्यता का पार्ट नहीं था, फिर भी हमें ही गलत साबित किया गया। तो 700 साल से, मैं जब ना छोटा था, तुम्हारी उम्र का था 15 साल पहले, तो मैं ये देखता था इंडिया की जो क्रिकेट टीम होती थी ना महवेश, तो उसमें हमेशा फॉरेन कोच होता था, मैं सोचता था यार इंडियन को तो कभी यूके वाले कोच नहीं बनाते, तो ये हम क्यों हमेशा यूके वाले को और गोरों को अपना कोच बनाते, ये बड़ा हमको बुरा लगता था, हमें लगता था यार ये लोग में कुछ तो स्पेशल है तभी हम लोग बनाते हैं। आज
मेरा सीना फक्र से उड़ जाता है जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री यूके का एक हिंदुस्तानी है। मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता का, अब तो श्रीलंका का जो है इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा श्रीलंका का है। बना, इफ आई एम सिंगापुर, नॉट रॉन्ग, सिंगापुर, राइट, सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर का, सॉरी सिंगापुर का। हाँ। तो नहीं, मेरे कहने है, सिंगापुर में खैर ये तीसरी बार हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट इज अ डिफरेंट थिंग। तो पॉइंट है, वहाँ पे तमिल एक बहुत सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है। लेकिन मेरी बात को समझो, हमें हर किसी ने कहा आप तुम पेगन हो, मूर्ति पूजा हो, बुत परस्त हो, तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं आती, अंग्रेज पॉलिटिक्स सिखाएगा हमें। मतलब सिर्फ दुनिया भर ने हमारे बारे में अपनी किताबों में सिर्फ कूड़ा करकट पढ़ा, हमारे बारे में सारी गंदी चीजें पढ़ाई, सारी दुनिया को बता दिया इनका कास्ट सिस्टम है, ये मानो में छुआछूत करते हैं, ये करते हो, सबको बता दिया बिना समझे हुए कि हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन एक बात हिंदुस्तान के लोगों ने की, जज्बा, वो अपनी बिलीफ पे डटे रहे, अपनी किताब पे डटे रहे, अपनी। ये जज्बा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जज्बा पाकिस्तानियों में भी है। बहुत अच्छी बात है कि जज्बा इस जज्बे से बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का जज्बा, पाकिस्तान जिस दिन सो के उठेगा, जिस दिन पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास होगा, उस दिन पाकिस्तान का जज्बा भी होगा। अभी तो जो पाकिस्तान जिस रास्ते पे कर रहा है उसका रिजल्ट आ रहा है, उसको मानने को तैयार नहीं है। तो हम पाकिस्तान की बात अभी बाद में करते हैं। ये बात बहुत जरूरी है समझना कि इसरो ने क्या किया हमारे साथ। इसरो ने वो फीलिंग दी ना, सेंस ऑफ सेल्फ अप्रिसिएशन। जैसे तुम मान लो, मैं भी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमको पता भी है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन कोई आके तुम्हें अगर जरा सा ये कह देना, मैं विश यार आज तुमने बहुत अच्छी बात किया, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, तुम्हें खुश बहुत खुशी होती है। तुम्हें ये कोई ये कहे कि मैं विश आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वो, ठीक है ना। आदमी को अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तुम अगर मान लो ना, दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में कमियां निकालें कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम चिड़चिड़ी हो, तुम लड़ाकी हो, तुम ऐसे करती हो, तुम ऐसे करती हो, तुम पागल हो जाओगी। तो तुम्हारे अंदर एक जहर नफरत बढ़ जाएगी उस आदमी के प्रति जो तुम्हें खाली कमियां गिना रहा है। और वो कमियां शायद जिनको तुम शायद ये समझ ही नहीं पा रही हो कि मेरी तो ये कमियां भी नहीं है, फिर मुझे क्यों बता रहे हो कि मेरी कमियां। ये इम्पैक्ट होता है। भारत को ऐसे ही कर दिया था इन लोगों ने, हमारी साइंस को छोड़ करके हमें बता दिया स्नेक चार्मर, हमारी इक्वलिटी ऑफ थ्योरी को बता दिया कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, हमारी हर थ्योरी को उल्टा कर दिया। हमने लोगों ने हमें आके परसिक्यूट किया, हमें दिखा दिया कि हम परसिक्यूटर हैं। आप समझ रहे हो, हमारी साथ हमारा देश टूट गया। तो पॉइंट, हमारी जमीनें चली गई हाथ से। पॉइंट ये है महवीश कि इसरो ने हमें वापस से ये काम कराया, हम वी आर फर्स्ट टू लैंड ऑन साउथ पोल। यूएसएसआर आया तेजी से, गिर गया, जापान कोशिश किया गिर गया, इजराइल कोशिश किया गिर गया, वी वेंट देयर और हम कह के गए कि हम लेंगे और वहां पहुंचेंगे। ये एक रिडेम्पशन है, रिवाइवल है, फीलिंग ऑफ बीइंग इंडियन है। इंडियन का मतलब क्या है, किसी का गर्दन काटना नहीं। हमने कभी शक्ति को अपना, तलवार को अपना शक्ति नहीं माना। भारत ने कभी कंक्वेस्ट को अपनी शक्ति नहीं माना, दूसरों को सबजुगेट करने को अपनी शक्ति नहीं माना। तो भारत अगर किसी की टेरिटरी जीत लेता, भारतीयों को वो खुशी कभी नहीं होती। लेकिन जैसे भारतीयों ने पाकिस्तान को 4 बार हराया, यहाँ पे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मानी जाती है। पाकिस्तान को हरा दिया पाकिस्तान के सेंस में भले होता है, आपको सुनाने के लिए बोलते, लेकिन पर्सनल ग्लोरी नहीं फील करता इंडियन कि हमने पाकिस्तानी को हरा। पाकिस्तान इंडियन ग्लोरी फील करता है जब उसको नॉलेज, जब सुंदर पिचाई गूगल का हेड बन जाता है तो उसको लगता है यार, बिकॉज भारत का मतलब है ज्ञान, भारत का मतलब है विश्व गुरु, भारत का मतलब ये नहीं है विश्व विजेता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड एंड द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज इन द वर्ल्ड गुरु है, वी आर नॉट विश्व विजेता, वी आर विश्व गुरु। हमने दुनिया को ज्ञान दिया है। आज जब हमारे ज्ञान को दुनिया रिकॉग्नाइज करती है तो तुमसे हम बता नहीं सकते, मैं भी दुनिया इतना बड़ा चौड़ा हो जाता है। और वही किया है इसने, ये सेंस ऑफ प्राइड है कि हम, ये हमारे, ये देखो यूनिवर्सिटियां खोलने से ना, सुपारको क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटियां खोलने से नहीं होता, ये आपके डीएनए में होना चाहिए। हमारी ये जो हम यहाँ पहुंचे हैं, ये कोई आईआईटी से नहीं शुरू किया गया, ये हमारे सदियों पहले जब हमारे ऋषि और मुनि लिख रहे थे जीरो क्या होता है और फोर्स क्या होता है, ग्रह क्या होता है, ये उस दिन से ये जर्नी शुरू की हमने, हजारों साल में ये जर्नी। साइंस हमें पहले पता थी, टेक्नोलॉजी हमने आज हासिल की। आपने उस साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है, आप उसको अपना नहीं मानते, आपने अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं और जोड़ रखा है।
तो वहां से आपको वही मिलेगा जो वहां पे हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो इट्स रियली मेक्स अस फील प्राइड, प्राइड इन द सेंस ऑफ नॉट कि आप मुझसे कम है, प्राइड के हम मानवता की बात करते हैं. मेरा ये कहना है कि ये जितना अभिषेक का है उतना महेश का भी है, ये जितना मेरा है. It just not only make India